और हमें उस गद्दी को छूना है जिस गद्दी पर इस देश के सबसे बड़े ठग आकर के बैठ गए हैं। हमें उन ठगों को इस देश की गद्दी से उतार कर फेंकना है। जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद जो मिशन मूवमेंट रुक सा गया था, उस मिशन मूवमेंट को धार देने वाले, उस मिशन मूवमेंट को एक बार फिर से गति देने वाले भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी और तमाम यहाँ पर मौजूद पूरे भारतवर्ष में अपने त्याग, परिश्रम, अपनी लगन, अपनी मेहनत से इस संगठन को भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम साथियों। क्योंकि साथियों, आज अगर हम यहाँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, तमाम साथियों को जाता है। साथियों, और मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ जो मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, बहुत पहले जब भीम आर्मी भारतक समाधन की शुरुआत हुई तो हमें दिल्ली में पहुंचना एकमात्र सपना लगता था कि शायद दिल्ली में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप सबके जुनून ने, आप सबकी हिम्मत ने, आप सबके त्याग और परिश्रम ने इस सपने को पूरा करने का जो कार्य किया है उसे दिल से बहुत बहुत साधुवाद साथियों। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है साथियों, अभी मंजिल बहुत दूर है और हमें उस गद्दी को छूना है जिस गद्दी पर इस देश के सबसे बड़े ठग आकर के बैठ गए हैं। हमें उन ठगों को इस देश की गद्दी से उतार कर फेंकना है और उस देश की गद्दी में एक ऐसे बहुजन समाज के सितारे को, एक ऐसी बहुजन समाज की उम्मीद को, जिसमें माननीय साहब काशीराम जी के जाने के बाद अगर बहुजन समाज ने किसी पर विश्वास किया है, किसी का साथ दिया है, तो वो बुलंद आवाज है साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता, आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने सिद्ध किया है, आप काम कर रहे हैं। आज अगर बहुजन समाज किस पर विश्वास करता है तो आप सबकी ताकत, आप सबके संगठन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर विश्वास करता है, लेकिन यह हो पाया है आप सबकी मेहनत से। और साथियों, आज भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस है। आज इस जन सलाम को देख करके मौन बहुत भावुक भी है और बहुत खुशी भी है। साथियों, तो मात्र एक सपना सा लगता था, आज एक लौ दिखाई दे रही है, आज एक मसाल दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द इस भारत देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे हम लोग। अगर एक ऐसी शख्सियत को इस देश की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे हम लोग। क्योंकि साथियों, आज पूरे देश में बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार होता है, जो शोषण हो रहा है, अगर उस शोषण के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वह भीम आर्मी के प्रत्येक राज्यों से, प्रत्येक जिलों से प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी अपना मान सम्मान स्वाभिमान दांव पर लगा करके रात्रि इन माता बहनों के सम्मान स्वाभिमान के लिए, इस देश के संविधान के सम्मान स्वाभिमान के लिए, उन सब की रक्षा के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है साथियों, तो वह है आप लोग। बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आप लोग इस बहुजन समाज की बुलंद आवाज बन गए हैं, इस बहुजन समाज की एक उम्मीद बन गए हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे विनती करना चाहता हूं
कि जो उम्मीद, जो विश्वास बहुजन समाज ने आप सब लोगों से दिखाया है, आप सब लोगों पर विश्वास जमाया है, आप सब लोग अपने इस विश्वास को टूटने मत देना साथियों, क्योंकि बमुश्किल मान्यवर साहब का श्रीराम जी के जाने के बाद ये विश्वास अगर बहुजन समाज ने आप सब पर दिखाया है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर दिखाया है, तो आपके कार्यों को सलाम है साथियों। आज हमें एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के तालकरोड़ स्टेडियम में आप सबके साथ और सहयोग से एक भव्य प्रोग्राम के रूप में, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम के रूप में मना रहे हैं साथियों। इसका पूरा श्रेय प्रत्येक कार्यकर्ता को, आयोजक कमेटी को और उन साथियों को जो आर्थिक मदद से इस प्रोग्राम को करने में जिन्होंने सहयोग किया, चाहे वो राष्ट्रीय कोर कमेटी हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो। साथियों यहाँ तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और मेरी आवाज को सुन भी रहे हैं। तो शुरुआत भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन ने भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला से की थी। आप सब लोग पूरे देश में, हर राज्य में जहां जहां भीम आर्मी की टीम है, उस भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला को एक बार फिर से शुरुआत करें, ये दिखा दे कि जिस विचारधारा पर हमने कार्य शुरू किया था, भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला आज पूरे देश में भीम आर्मी के सौजन्य से चलाई जा रही है साथियों। क्योंकि सम्मानित साथियों, विचारधारा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हम लोगों ने आज के दिन 21 जुलाई भीम आर्मी भारत एकता मिशन को हम लोग पहले रक्तदान भी किया करते थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करते थे, अब भी लगते हैं साथियों। तमाम साथी भीम आर्मी के उन कार्यों को जारी रखे, उन कार्यों को करते रहे। और साथियों मैं कहना चाहूंगा आप सबको, अगर वास्तव में इस देश की सत्ता की कुर्सी पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को, आप लोग मेहनती हैं, आप लोग जनूनी हैं, क्योंकि इतिहास जनून से लिखा जाता है, इतिहास जनून से लिखा जाता है। एक बार फिर से अपनी उस मेहनत को इतना काम कर दे कि बहुत जल्द हम इन मनवादी सरकारों को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करें और बहुत जल्द इस देश की गद्दी पे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को बिठाएं। साथियों लगता है शायद आप लोगों को भूख लग रही है, आवाज नहीं निकल रही है। जय भीम! क्योंकि साथियों ये वही दिल्ली है जिसे आपने 21 अगस्त को, जब हमारे महापुरुषों के परम पवित्र मंदिर को इस सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया था, तो आप लोगों ने इस दिल्ली को बंद करने का काम किया था साथियों। वो ताकत आप लोगों की थी, वो हिम्मत आप लोगों की थी, वो साहस आप लोगों में था और किसी में नहीं था। केवल आप लोगों को तो सिर्फ अब तक इन नेताओं ने आउट के नाम पर लूटने का काम किया है। पहली बार अगर आज इस बहुजन समाज के युवा को, इस बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को अगर हिम्मत ताकत मिली है, तो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन साथियों। और आप सबकी मेहनत, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक कार्यकर्ता सड़क जाम कर देता है अपने हक अधिकार के लिए, अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं सबसे अपने अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहूंगा कि सब लोग अपनी इस ताकत को मजबूत रखें और एक बार फिर से समस्त भीम आर्मी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई 7वें स्थापना दिवस की और प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की। क्योंकि साथियों आज हम लोग बड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं और हमें और भी आगे जाना है। क्योंकि साथियों बरसात में तालाब तो हो जाता है कमजर्द, बरसात में तालाब तो हो जाता है कमजर्द, मगर आप ऐसे बाहर कभी समंदर नहीं होता। तो
तो हम लोग समंदर है साथ सांगर, हमें बाहर नहीं होना है, हमें जीत करके दिखाएं जो हमने ठाना है, हमें वो हासिल करना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, बहुत मुश्किलें आएंगी साथियों। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं समस्त आयोजक कमेटी को, समस्त कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही मेहनत से इतना भव्य प्रोग्राम बनाया। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय भारत, जय जय स्वामी पार्टी। का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो अपनी पूरी ताकत पूरी मेहनत इस समाज के साथ लगा रहे हैं। तो आइए, आज जिनकी बदौलत हम इस मंच पर खड़े हैं, जिनकी बदौलत आप सब इस स्टेडियम में खड़े हैं, और आज जिनकी देन हम सब के साथ है, माननीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आइए एक बार मिलकर के उनका धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान, हो तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान, बना दिया भारत का संविधान, बना दिया भारत का संविधान, हो तेरी जय
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।